नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा है देश की राजनीति का। जी हाँ, देश की राजनीति की बात करूं तो इस समय हरियाणा चुनाव के बाद जो है विपक्ष खेमे में काफ़ी उथल पुथल है। अब जो है ईवीएम काफ़ी दिन से शांत था, लोकसभा में तो बिल्कुल चर्चा नहीं हुई, लेकिन हरियाणा का चुनाव अगर कांग्रेस हार जाती है, हार गई है, तो ईवीएम का तो आना लाजमी था और वही हो रहा है। अब ईवीएम को लेकर जो है चुनाव आयोग के पास देश भर से शिकायतें जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, और आरोप लग रहा है कि ईवीएम के वजह से जो है हरियाणा चुनाव जो है कांग्रेस हार गई है, जबकि बैलेट पेपर पर कांग्रेस जीत रही थी और जैसे ईवीएम खुला और वहाँ पर जो है कांग्रेस हार गई, कहीं ना कहीं इसमें लोचा है। ये लोचा है तो श्रीनगर में क्यों नहीं हुआ, ये भी चर्चा का मुद्दा है। तो सवाल ये है कि ईवीएम का तो है ही, और दूसरी बात कांग्रेस को लेकर जो है अब उनके सहयोगी दल भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ती है अपना दबदबा रखती है और सहयोगियों पार्टियों का जरा सा भी ख्याल नहीं रखती है, और उसी नतीजा हुआ कि हरियाणा चुनाव हार गई। इसमें संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में थोड़ा सा अपनी स्थिति बदलनी होगी और मुख्यमंत्री का चेहरा जो है डिक्लेयर करना चाहिए, और किसी भी हाल में लोग जो है मुख्यमंत्री का चेहरा देख के ही वोट करते हैं। तो ये सब सवाल हैं हमारे पास आज, इसी सब आज एनालिसिस करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्य जी से, और जानेंगे कि कांग्रेस की राजनीति इस समय किस तरफ जा रही है और उनके सहयोगी दल जो है क्यों उनसे नाराज है। सर क्या कहेंगे? पहला मुद्दा जो है ईवीएम का, जी वो कांग्रेस अबर अब उठा रही है, तो उनको पागल कुत्ते ने काटा है या उन्होंने पागल कुत्ते को पागल बना दिया है? पागल कुत्ते को इन्होंने काट लिया है। हाँ, इन्होंने काट दिया सर। कई बार ये सब वेरिफिकेशन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक ये जा चुके हैं, और तेलंगाना में, पंजाब, बंगाल में, कई जगह इनकी सरकारें आई है, वो ईवीएम के माध्यम से ही आई है। हाँ। पंजाब में आपकी आई ईवीएम के माध्यम से आई। लोकसभा में क्यों नहीं आवाज उठाए? हाँ, उस समय नहीं बोले, आज बोल रहे हैं। ये क्या है ना, लोगों को जो मूर्ख लोग हैं उनको और मूर्ख बनाने के लिए कि भाई देखो हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ। ये ईवीएम का चमत्कार है, ये मोदी ने फ्रॉड किया है, भ्रष्टाचार किया है, ऐसा दिखाने के लिए। लोग अभी मानेंगे नहीं कि भाई ये कैसा, हारने के बाद ही आपको ईवीएम सूझता है। हाँ, तो ये कभी जीतने के बाद भी अगर ईवीएम का दोष तो समझ में आए। राहुल गांधी अभी ना खुद को फिर से गिरा रहा है, गया था एक ऊंचाई तक, हम भी तारीफ उसकी किए थे कि भाई मोदी के पांव तक बैठने की उसकी लायकी नहीं थी, अभी थोड़ा हाथ मिलाने तक आ गया है, मगर अभी पांव के नीचे वापस जा रहा है, पिल्लू अपना पप्पू हो रहा है वो। तो सर कैसे है ना कि ईवीएम के बारे में कुछ बोलना या समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पागल है, पागल जैसे बातें करेंगे तो बोलने दो, पागल बोलता है रास्ते पे, हम कहाँ ध्यान देते हैं। तो अभी ये पागलों की फौज है वो बोल रही है, तो ईवीएम के बारे में नहीं। अभी दूसरा, संजय राउत ने जो बोला है कि कांग्रेस को अहंकार हो गया है, और वहाँ पे भी उन्होंने दोस्त पार्टी जो थी उनकी, उनको साथ में नहीं लिया, और जहाँ पे लिया वो एनसी को लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कश्मीर में, भले इनको इनके पाँच ही आए जी, मगर पांच आए तो सही है, और मंत्रिमंडल में पांच में से तीन तो जाएंगे सही। जाएंगे सही। नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े वोट से जीती, मगर वो दोनों अगर अलग लड़ते तो शायद कॉन्फ्रेंस भी हारती थी, उनका भी नुकसान होता था, और बीजेपी और जम्मू वाले राज करते थे कश्मीर के ऊपर, और ठीक है वहाँ पे सब ये किया, वहाँ नहीं किया। अभी यहाँ पे ऐसा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए सोनिया और राहुल ने सम्मति दे दी है ऑलरेडी, और ये पटोले वगैरह, ठटोले ढटोले वगैरह उनको भी मालूम है सबको कि भाई सोनिया ने क्लियरेंस दिया है, मगर वो ऑफिशियली नहीं दे के एक क्या लोगों के मन में द्विधा परिस्थिति निर्माण करे जानबूझकर, और उसका समर्थन वो व्यक्त करते हैं कि अभी उद्धव का नाम डिक्लेयर किया तो हमारा फौज डिमोरलाइज होगा, और उद्धव के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं पर्टिकुलरली, वो हमको वोट नहीं देंगे फिर, कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है करके, ये सब झूठ है। बनेगा महागाड़ी का मुख्यमंत्री तो यही बनेगा, मगर अभी उद्धव, मैंने कल भी शायद आपके यहाँ या मराठी में या किसी और चैनल पे बोला कि भाई अभी उद्धव मानेगा नहीं, अगर कांग्रेस इसका नाम घोषित नहीं करती आखिरी वक्त तक, वो कांग्रेस वालों को गिराएंगे जगह जगह पे जी। उसके लिए राष्ट्रवादी शरद पवार से भी हाथ मिलाएंगे, बीजेपी से और शरद शिंदे साहब से भी हाथ मिलाएंगे, और कांग्रेस को यहाँ तक नीचे लाएंगे कि उनकी कोई वजूद नहीं रहेगी, और शरद पवार और उद्धव ठाकरे कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जा सकते हैं, परिस्थिति आगे आई तो कांग्रेस को सबक सिखाएंगे वो, मगर कांग्रेस वाले भी इतने बेवकूफ यहाँ के हैं उतने ऊपर के नहीं है। सोनिया और ये समझती है कि उद्धव के बिना इनके पास कौन नेता है सर, खत्म हो गए थे सर कांग्रेस, क्या था, एक लोकसभा सीट था वो भी एक्सपायर हो गए, कांग्रेस खत्म हो गया।
तो ये तो अभी इन लोगों ने उसको जिंदा किया, और तो जिंदा करने के बाद वो सर एक कहानी थी कि एक ऋषि ने मृत इसको जिंदा करने की कला अपने चार शिष्यों को सिखाई, तो एक ने उसके जो बोन्स थे वो एक साथ किए, दूसरे ने चमड़ी और ये मांस उसमें भर दिया, तीसरे ने उसको क्या और काथड़ी जमा करके दी, और चौथे ने बोला मैं इसमें आत्मा डाल के इसको जिंदा करती हूँ। वो बोले शेर है वो खा जाएगा। बोले आपने तीनों ने अपनी ताकत दिखाई, मैं भी अभी करता हूँ। उन्होंने आत्मा जिंदा कर दिया, वो चारों शिष्यों को खा गया। ये कांग्रेस ऐसा ही है जी, कांग्रेस को अभी ये बाकी के लोग जो है वो जिंदा कर रहे हैं, वो खा ही जाएगा, इनको खाने वाला ही है जी। तो संजय अभी सही टक्कर दे रहा है, सही जगह है, उसका बोलना सही है कि आप मुख्यमंत्री करो नहीं तो मरो, मरो ऐसा ही बोल रहे वो। हरियाणा की तरह भुगतो, हरियाणा की तरह भुगतो ऐसा भी बोल रहा है। हाँ। तो वो सही है सर, अच्छा है इनको यही दुर्बुद्धि रहे कि आखिर तक वो उद्धव से पैचअप नहीं करें, अच्छा ही होगा। और उद्धव उनको नड़े, शरद पवार उनको नड़े, महागड़ी का 3-13 बोझवारा हो जाए, उसमें ही बीजेपी की जीत इंश्योर होगी। ये जितना लड़ेंगे उतनी जीत पक्का हो जाएगी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सोनिया से प्रार्थना करता हूँ, राहुल से प्रार्थना करता हूँ कि इन गधों को और गधा बनाओ, महागधा बनाओ, महामूर्ख बनाओ, इनको लड़ने दो, झगड़ने दो। और उद्धव और शरद पवार जी को बोलूँगा कि ये गधों का साथ आप छोड़ दो और आप अलग से लड़ो, ये अलग से लड़ेंगे, आप दोनों साथ में लड़ो। और महायुति में भी फडणवीस ज़्यादा आक्रामक हो गए कि भाई हरियाणा में मैं जीत गया तो उनका भी कांग्रेस होने वाला है, बीजेपी का होगा कि नहीं जी। अगर बीजेपी का, कांग्रेस का अगर हरियाणा में पराभव हुआ है तो यहाँ बीजेपी वही नाटक करती है। अगर शिंदे और अजीत पवार का साथ हो, उनको साथ में नहीं लेने का या मार्जिनलाइज करने का, उनको जगह नहीं देना, तो यही भी भाजपा का हाल होगा। तो अच्छा है ये सबक कांग्रेस को है, वैसे भाजपा को भी है, ज़्यादा मस्ती मत करो, ज़्यादा मस्ती मत करो। ये महाराष्ट्र है, हरियाणा नहीं है जी। हरियाणा की स्थिति अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। यहाँ पे शिंदे साहब के भी 40 लोग हैं, चुने हुए 40 लोग हैं, अजीत दादा के चुने हुए 40 है, उसमें से 10 जाएंगे, मगर अभी हरियाणा की वजह से उसको भी ब्रेक लगा है जी। तो मुझे लगता है कि इसकी जायज है मांग उद्धव की कि मुख्यमंत्री घोषित करो। लेकिन सर वो कहाँ बोला है कि मेरा नाम घोषित करो, करो महागाड़ी का। उद्धव और कांग्रेस के जो लड़ाई चल रही है यानी इंटरनल, उसमें शरद पवार एकदम चुपचाप है, चुपचाप ही रहना है, क्योंकि उनका भी इसको उद्धव को सपोर्ट है, उनको भी उद्धव ही चाहिए, उद्धव ही चाहिए। सबसे बेहतर पपेट इससे ज्यादा कौन हो सकता है शरद पवार के हाथ में। शरद पवार के मंत्री उनके साथ जे थे, वही तो खा रहे थे सब कुछ, मले ये तो ताक भी नहीं घुस रहा था, ये कुछ ही नहीं कर रहा था, ये ताक में पानी डालने का काम, भ्रष्टाचार का पानी डालने का काम करता था जी। तो शरद पवार तो खुश होंगे, उद्धव ही चाहिए उनको, कांग्रेस वाला आएगा तो पहला नड़ेगा राष्ट्रवादी को। भाई पृथ्वीराज चव्हाण ने तो महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी खत्म करने का बेड़ा उठाया था। यस, किया भी, किया भी। इसके लिए तो राष्ट्रवादी ने सर 8 दिन के लिए राष्ट्रपति राजवट लाई थी, तो उनकी दुश्मनी बेसिक है राष्ट्रवादी। और कांग्रेस उभरती है तो राष्ट्रवादी खत्म होती है, राष्ट्रवादी उभरती है तो कांग्रेस खत्म होती है। अगर कांग्रेस को खत्म करना है महाराष्ट्र से परमानेंटली, तो ये तुम्हारे उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलके इनके खिलाफ कारस्थान करना चाहिए। और ये कारस्थान करने के लिए अच्छा बहाना है कि मुख्यमंत्री पर डिक्लेयर करो, नहीं तो हम आपके साथ नहीं है। और संजय का बोलना अगर सही निकला जी, तो वो यहाँ तक जा सकते हैं कि हम दोनों मिलके लड़ेंगे, कांग्रेस को भी बाजू में रखो, बीजेपी के वालों को भी अलग करिए। तो उद्धव का मांग जायज है, और वो नहीं माना तो कांग्रेस का धुआं निश्चित है। निश्चित, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे इस चर्चा पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और विधानसभा चुनी हर खबरों को हम आप तक जरूर लाएंगे, अंदर खबरें जो है निकाल कर आप तक पहुंचाने का काम हम जरूर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके पास भी कुछ खबर होगी अंदर की तो हमें जो है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का, मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका हो जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।